नमस्कार दोस्तों, इतनी गर्मी में अगर हमारी थाली में चटनी हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी धनिया पत्ता की चटनी बिना लहसुन प्याज के कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक मुट्ठी धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, छोटा सा अदरक, थोड़ा सा जीरा, एक स्पून सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च और एक नींबू। अब जार में मैंने धनिया पत्ता, मिर्च काट के डाल दिया है, अदरक, जीरा, सौंफ और काली मिर्च। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए अब ये चटनी पिस चुकी है, कंसिस्टेंसी ऐसी है इसकी। अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक, नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि दोनों नमक डाल रहे हैं। और अब इसमें हम नींबू गाड़ देंगे। इस तरीके से करने से बीज कभी भी चटनी में जाएंगे नहीं। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो और भी हाफ नींबू जो है वो आप डाल सकते हैं। अब इसे हम बस एक सेकंड के लिए फिर से मिक्सी चलाएंगे। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। गर्मियों के लिए ये चटनी बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें सौंफ भी है, नींबू भी है, अदरक भी है और इसका कूलिंग इफेक्ट होगा। ये पकौड़े के साथ, किस सैंडविच के साथ, किसी के साथ भी खाया जा सकता है। एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।